गाइस आप देख सकते हैं बहुत तेज यहाँ पे बारिश हो रही है। ये दो दिन से लगातार ऐसी बारिश हो रही है। रात में हुई थी, उसके बाद फिर सुबह कुछ वक्त के लिए रुक गया था। बादल अच्छे खासे ऊपर इकट्ठा हो चुके हैं। वो तो अच्छी बात है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है तो पानी रुकता नहीं है। जैसे बारिश रुकेगी आधे घंटे में सूख जाएगा। ये कौन सा मौसम है? मौसम पता नहीं, हैशटैग मौसम पता नहीं। पेड़ और भी गिर गए गाइस, खुद से गिरे ना। ऊपर वाला हमें बचा है, मस्जिद की तरह हम जल्दी से जाएं। अंदर भी काफी पानी भर चुका है। ओहो, एकदम डार्क रेड। मिलते हैं नमाज के वक्फे के बाद। अरे मेरी उर्दू। खैर गाइस आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। Assalamualaikum guys, welcome to a brand new vlog. गाइस मुझको अपना आखिरी उर्फ लास्ट व्लॉग डाले हुए लगभग 10 दिन के करीब हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी कम्युनिटी पोस्ट में बताया हुआ था कि मेरे एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो रहे हैं 12 सितंबर को। इसकी वजह से मैं व्लॉग्स डालना डिसकंटिन्यू कर दिया था। अभी मैं सोच रहा हूँ एक दो बीच में डाल देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन का गैप बहुत बुरा होता है। किसी भी चीज का गैप बहुत बुरा होता है। मुझको ज्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा था मैं किस टाइप के व्लॉग्स बनाऊं, क्योंकि मैं कहीं बाहर तो जा नहीं रहा हूँ। अभी यही हॉस्टल में हूँ और एंट्रेंस जब तक खत्म नहीं होता तब तक मैं बाहर जा नहीं सकता। मेरे दिमाग में काफी कंफ्यूजन थी करूं क्या। साइड के कुछ व्यूज देखिए। ये है बास्केटबॉल कोर्ट। अभी ये जब से यूनिवर्सिटी बंद है तब से सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ पे बगल में फुटबॉल के लिए ग्राउंड है और इधर फिर स्केटबोर्डिंग के लिए क्लब है, स्केटिंग क्लब। ये भी बंद है, पहले खुलता रहता था मगर आजकल सब कुछ बंद है। मैं आपको यहीं से इसका व्यू दिखाता हूँ। ये जो है ना, इतना पर्टिकुलर एरिया जितना है ना, ये उत्तराखंड जैसा मेरे को लगता है, पता नहीं क्यों, पहाड़ी इलाकों की तरह, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना वो कुछ इसी टाइप का लगता है। सामने यहाँ पे एक और, ये भी फुटबॉल ग्राउंड है या हॉकी ग्राउंड है पता नहीं। और इधर से सामने हॉस्टल है, सुलेमान हॉल है शायद। सो गाइस मैं इस व्लॉग में आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता था। आजकल मेरे व्लॉग्स पे कमेंट आते हैं कि मैं जो है पहले नशीद यूज करता था, आजकल मैं म्यूजिक यूज करने लगा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने कोई म्यूजिक यूज करना नहीं स्टार्ट कर दिया। वो वोकल्स ओनली नशीद है, मतलब कि उसमें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज होते हैं, ना ड्रम, ना तबला, ना पियानो, ना हारमोनियम, ना ज़ाइलोफोन, कुछ भी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रमजान डेज के वोकल्स ओनली नशीद यूज करता हूँ, तो वो मुंह से साउंड्स बनाते हैं, उसमें तबला, हारमोनियम, ज़ाइलोफोन, गिटार, फलाना ढिमकाना कुछ भी नहीं यूज करते हैं, तो उसको मैं यूज कर लेता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो 100% हलाल है, बट म्यूजिक अल्टरनेटिव है। वो भी नहीं तो मैं क्या करूंगा फिर, अपनी वीडियोस को एंगेजिंग करने के लिए फिर मैं क्या यूज करूँ। हाँ, खुद से गुनगुना के तो डाल नहीं सकता ना मैं उसमें। ये जंगल टाइप का एरिया, घबराइए नहीं, ये जंगल नहीं है। ये इधर से लाइब्रेरी जाने के लिए रास्ता है, लेफ्ट साइड में कल्चरल एजुकेशन सेंटर है। खैर बीच में भी गेट बंद हो चुका है, पहले खुला रहता था। वॉलीबॉल कोर्ट, ये भी बंद है। ये है आपके सामने यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब, 2 साल नहीं 1.5 साल से तो बंद ही है। ये इधर से मौलाना आजाद लाइब्रेरी का रास्ता है, गेट बंद है। इसको कोई मतलब कूद के जा सकता है, बट जरूरत क्या है, जरूरत कोई है ही नहीं गेट को कूद के फांद के भागने की, क्योंकि इधर से मेरा हॉस्टल है, पैदल आराम से जा सकता हूँ। सो एक चीज तो क्लियर होगी गाइस, मतलब अरेबिक वाली अब नशीद उतनी यूज नहीं करता, क्यों, क्योंकि लिरिक्स मुझे समझ आती नहीं है। अरेबिक तो हमें किसी को भी आती नहीं है, सिर्फ वही घुमा घुमा के चलाना मुझे लगता है वो इरिटेटिंग हो जाएगा एक वक्त के बाद। इसीलिए मैं सिर्फ वोकल्स ओनली नशीद यूज करता हूँ, जो कि मैं खुद उसको 100% हलाल नहीं समझता हूँ। एज अ लास्ट रिजॉर्ट मैं उसको यूज करता हूँ, क्योंकि उसके अलावा कुछ है नहीं। ये आपके सामने सर शाह सुलेमान हॉल, जिसकी मैं बात कर रहा था। फिर अब हम रुख करते हैं अपना वापस हॉस्टल की तरफ। अब दूसरी बात, मैं व्लॉग्स जो है अभी कंटिन्यूअसली नहीं डाल सकता, रीजन यही आपको पता है, मेरा एंट्रेंस है। अभी मेरा एंट्रेंस दो बाकी है, दो नहीं एक्चुअली तीन बाकी हैं। एक 27 सितंबर को है, अगला 3 अक्टूबर को है, दो एंट्रेंस एक साथ उस दिन। अभी 3 एंट्रेंस है, उनके बाद फिर एडमिशन हो जाता तभी मैं फ्रीली व्लॉग्स बना पाऊंगा। जब मेरा एडमिशन हो जाता तो इंशाल्लाह फिर मैं कुछ अलग करने की कोशिश करूंगा, यहीं घूम घूम कर मैं आपको नहीं पकाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोग सब्सक्राइब करते रहो, मैंने अगस्त में ही 2500 सब्सक्राइबर्स पूरे करने का
टारगेट दिया हुआ था मगर मेरा वो पूरा नहीं हुआ। मेरी गलती है क्योंकि मैं बीच में वीडियोस डाल नहीं सका, तो अभी आप पूरा कर दो यार सितंबर एंड होने से पहले 2500 सब्सक्राइबर्स, उससे ज्यादा कर दो तो अच्छी बात है। ये आफ्ताब हॉल का कॉमन रूम है। अर्लियर दिस यूज्ड टू बी अ कैंटीन सम 1.5 इयर्स अगो, नाउ इट्स खंडहर। ये एमयू का पोस्ट ऑफिस है आपके सामने और इधर से मेरे हॉस्टल का रास्ता है। मेन गेट नहीं है, ये शॉर्टकट है। और यहाँ पे ब्रिज कोर्स करने के लिए बिल्डिंग है। बेसिकली जो मदरसा बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे 11th 12th की फैसिलिटी होती है, शायद ऐसा ही कुछ रहता है, मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं है। थोड़ी बहुत चलाई के बाद हमें थोड़ी बहुत थकाई भी लग चुकी है, थक चुके हैं हम। पेट को थोड़ा बहुत आराम देने के लिए ये दो चॉकलेट्स। जल्दी से भैया चॉकलेट को खोलकर खा लिया जाए। छोटा सा चॉकलेट मुझे शुगर और डायबिटीज देने के लिए काफी है। मिलते हैं इसे हजम कर लेने के बाद। वापस आ चुके हैं हम अपने मस्जिद के पीछे। मैं यहीं पर थंबनेल के लिए फोटो भी निकाल लेता हूं। लगे यार लास्ट में आपके सामने पड़ा विलिंगटन पेविलियन, यहाँ पे क्रिकेट होता था, फिलहाल अभी ये भी बंद है। आहा फाइनली हॉस्टल में वापस आ चुके हैं हम। सुबह के लगभग अभी 6:45 हो रहे हैं, इसीलिए सब अगल बगल हर जगह सन्नाटा है, सब सोए हुए हैं। यहीं पे मैं व्लॉग को खत्म कर दूंगा क्योंकि अब मुझे पढ़ाई भी करनी है। सिर्फ सुबह के ही वक्त फ्री रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दिन भर पढ़ाई करता हूँ। जब कोई चीज अटकी रहती है ना, जैसे एग्जाम्स अभी हुए नहीं, तो दिमाग उसमें लगा रहता है, व्लॉग करने का मन ही नहीं करता। और लोग भी देखकर क्या कहेंगे, इसके एग्जाम से पढ़ाई नहीं कर रहा है, घूम रहा है, इसके वजह से। चार्ली माइक चेक 1 2 3, हम अपने हॉस्टल में वापस आ चुके हैं, धन्यवाद। मुर्दा लाशें। क्या ठंडी ठंडी हवा है रे बाबा, थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बहुत ठंडी हवा नहीं है, मौसम ठंडा है। जीती जागती लाश, खतरनाक सीढ़ियां चढ़ने के बाद सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, काफी तार वार यहाँ पे बिछी हुई है मेरे यार। गाइस आई थिंक इतना इनफ है आज के व्लॉग के लिए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आप किसी भी हॉस्टल से बिलोंग करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, डजंट मैटर, सारे स्टूडेंट्स की लाइफ लगभग सेम होती है, कॉमन होती है, हर जगह फैला, सब लोग देखेंगे, रिलेट कर सकेंगे। इंशाल्लाह कुछ बातें हैं तो आप शेयर कर सकते हो, कमेंट करके नीचे बताओ, सब्सक्राइब करो। 2500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट इसी मंथ में पूरा कराओ, बल्कि उससे ज्यादा करा दो, तो अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज इज टू अल्लाह। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। बंद कर देते हैं और क्या, जाइला बंद करना बंद। सॉरी सॉरी सॉरी।